हमारे तो काम करते हैं, लेट हो गया, चार बार अंधेरा रहता, फायरिंग चालू हो गया, नई दुकान को लग गया एक इधर। क्या काम करते हो? प्लास्टर। तो कहाँ पे गोली आई? गोली कहाँ पे आई? तो वो नहीं दिखी, इधर लगी, बस इधर से लग के चली गई, बस दिखी नहीं कहाँ से कौन मारा। डर तो लग रहा है मन में, तो डर तो है, सबकी डर तो है, क्या करें, मजदूर है, काम तो करना ही है, कहीं भी, या यहाँ करें या बिहार में करें, कहीं भी तो काम करना ही है। चार पांच दिन और इधर रहना है, उसके बाद घर जाना है। कौन सी खता थी इसकी, क्या किया था? हम जानते हैं, हमें पता है, कौन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, आर्मी है, पुलिस है, तो आए कहां से? हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ, क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है, कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी, इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा।